أحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم ربنا زدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. जी, हम पढ़े थे मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम का वाक्य। मरियम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने लेके आती हैं और फिर लोग जब उन पर तोहमत लगाते हैं, उन पर उंगलियां उठाते हैं, तो उनका बेटा हम कलाम होता है। इब्राहिम ईसा अलैहिस्सलाम जो है अपने इंट्रोडक्शन करवाते हैं, मैं कौन हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब दी गई, मुझ पर नबूवत अता की गई। अब मजीद कहते हैं वजअलनी, और बनाया उसने मुझे, वजअलनी बनाया उसने जो ये मुतकल्लिम है मुझे, मुबारकन मुबारक, अहिना मा कुंतु जहाँ कहीं मैं हूँ, वअौसानी और उसने ताकीद की मुझे, बिस्सलाती नमाज की, वज़्ज़कती और ज़कात की, मा दुमतु जब तक मैं रहूँ, हया जिंदा। तो मुबारकन यहाँ पे मुबालगा के लिए इस्तेमाल किया गया, बहुत बरकत वाला, और बरकत का मतलब होता है खैरुन कसीरुन, बहुत ज्यादा खैर, और बिरकतुन बिरकतुन बारेकाफ्ता, बिरकतुन इसका मतलब होता है तालाब, जिसमें बहुत पानी होता है। बिरका कहते हैं ऐसे तालाब को जिसमें बहुत ज्यादा पानी होता है, इसीलिए बरकत ऐसी चीज को कहा जाता है जिसमें बहुत ज्यादा खैर हो, उसे बाबरकत कहा जाता है, बरकत वाला। और फरमाया उन्होंने ये कि अल्लाह ताला ने मुझे लोगों के लिए बहुत खैर और बरकत और नफा पहुंचाने वाला बनाया, बिल्कुल ऐसा ही था। ईसा अलैहिस्सलाम के जब आप मोजज़ात देखेंगे, उनका नॉलेज देखेंगे, और अब क़यामत से पहले भी जब वो आएंगे तो लोगों को अल्लाह की वहदानियत और हक को बताएंगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने हास करम किया, उनको खैर बरकत और नफ़ा पहुंचाने वाला बनाया। अब साथ ही ये भी कहा, छोटा सा बच्चा बचपन में ही लोगों को बता देता है कि मैं एक मोजज़ा हूँ, बरकत वाला बनाकर भेजा, नबी बनाकर भेजा, किताब मुझे दी जाएगी, साथ ही और बात की, वह उसनी और उसने ताकीद की मुझे, उसने वसीयत की मुझे, अल्लाह ने नमाज की और ज़कात की, कब तक, जब तक मैं जिंदा रहा, नमाज और ज़कात की खास ताकीद की। इस आयत से पता चलता है कि नमाज ज़कात और शरीयत के दूसरे अहकाम मौत तक किसी को माफ नहीं होते, कुछ भी हो जाए जो फर्जी अहकामात है वो उसकी माफी नहीं, और ये बात ईसा अलैहिस्सलाम को कही जा रही है, और दूसरी शरीयत में भी ऐसे था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फौत होने तक इबादत का हुक्म दिया गया, फरमाया सूरह हिजर 99 में अल्लाह सुब्हान फरमाते हैं,
वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत कर यहाँ के तेरे पास यकीन आ जाए। यकीन का मतलब क्या होता है? रात मौत। तो मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तो तौहीद की तकीद के बाद किसका हुक्म दिया गया? नमाज का हुक्म। तो उससे एक बात पता चलती है कि नमाज एक अहम तरीन हुक्म है और हर शरीयत में नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया गया था। मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तो तौहीद की तकीद के बाद नमाज का हुक्म। और सूरह तौहा आयत 14 में आप ये देख सकते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपने अपने औलाद के लिए नमाज का पाबंद रहने की दुआ की। सूरह इब्राहिम आयत 40 में आप इसका तस्करा देख सकते हैं। तो जब उलुल अजम पैगम्बरों को किसी सूरत में माफ नहीं है नमाज, उनकी औलाद को माफ नहीं है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अल्लाह की तरफ से बख्शे हुए हैं, कोई मिस्टेक नहीं है उनकी, वो अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं, नमाज अदा करते हैं बर वक्त। उनको भी नमाज की माफी नहीं। तो भी जो सूफिया कहते हैं कि जे हमें नमाज की माफी है, उनको कैसे हो सकती है? और पैगंबरों को सिर्फ दिल की नमाज काफी नहीं थी, वो फिजिकली तौर पर पूरा तरीका नमाज का करते थे, जैसे कि हम नमाज सीख रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से। तो जो ये सूफिया कहते हैं कि हम दिल की नमाज पढ़ लेते हैं, दिल की नमाज काफी है, रक्स कर लें और हम जो है हमारी रूह जो है वो मचलती है, हमारी रूह जो है ना वो अल्लाह ताला की याद में रक्स करती है, तो ये कफायत कर जाएगा उन लोगों को? क्या ये काफी हो जाएगा? बहुत से सूफी ये भी कहते हैं, और फिर वक्त पे नमाज नहीं पढ़ते, सारी नमाजें इकट्ठी पढ़ लेते हैं, हालांकि अल्लाह को सबसे पसंदीदा काम क्या? सलातो वक्तिहा, कि नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। तो आजकल ना नमाज के मामले में लोग बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस भी हैं और इतना ज्यादा ख्याल भी नहीं रखते, एक तो उसके वक्त का ख्याल नहीं रखते, और अगर मेल्स की बात की जाए तो मेल्स के अंदर ये होता है कि नमाजी पहले नहीं अदा की जाती, और अगर नमाज अदा की जाती है तो वक्त पे नहीं की जाती, जमात के साथ नहीं पढ़ी जाती, या फिर नमाज इकट्ठी करके, यानी तीन चार नमाज इकट्ठी करके अदा कर लेना। कुछ लोग इसको भी बेहतर समझते हैं, हालांकि जानबूझकर ऐसा करने वालों को अल्लाह के हाँ जवाब दे होना पड़ेगा। तो अल्लाह सुबहाना ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को तौहीद का इकरार करवाने के बाद, नबूवत का इकरार करवाने के बाद नमाज के साथ उनको बाबरकत बनाया। और अल्लाह के इल्म में पहले ये बात मौजूद थी कि कुछ लोग ईसा अलैहि सलाम को माबूद बनाएंगे, इसलिए उन्हें सारी जिंदगी नमाज और ज़कात का हुक्म दिया, ताकि सब लोग ये जान लें कि जो बंदा खुद किसी माबूद के सामने झुकता है, नमाज पढ़ते वक्त किसी सूरत में खुद मबूद नहीं हो सकता। तो ईसा अलैहि सलाम को जो रब मानते हैं, उनके लिए एक दलील ये भी है कि वो जब खुद इबादत करते हैं तो जो मबूद होता है वो इबादत तो नहीं करता, मबूद तो वो है जिसकी इबादत की जाए, ना कि वो किसी की इबादत करे। ठीक है, अगर नमाजें ज्यादा हम ये ऐसा करें इकट्ठी पढ़े तो फिर तरीका ठीक नहीं है, अगर कभी कभी किसी इशू की वजह से हो जाए कभी कभार तो छोड़ने से बेहतर है कि आप इकट्ठी पढ़ सकते हैं, लेकिन रोज का मशगला होगा, रोज की रूटीन होगी तो फिर उसमें पूछ की जरूरत होगी। फिर उसके बाद वबर और नेक सलूक करने वाला, बिवालिदती अपनी वालदा से। और अगला जो बात होगी बाजू ने बताई निम्न अहकाम के बाद, कि अपने वालदैन की
अपनी वालदा के साथ में एक्सक्लूड करने वाला हूँ। वलम या जानी, और नहीं उसने मुझे बनाया जब्बारन शकिया सरकश और बदबخت। तो पीछे भी ये जब आयत आई ना इस तरह की, तो वहाँ पे असीजा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे शकीजा। इससे पता चलता है कि वालदान से बदसलूकी करने वाला शकी और बदनसीब होता है, खसूसन ऐसी वालदा जो माँ और बाप दोनों की जगह पे होती है, उनके साथ बेदबी करने वाला, बदसलूकी करने वाला बदनसीब बदबخت होता है। वो वालदा जो एक बाप का रोल भी अपना रही होती है और जिनके वालिद नहीं होते हयात, अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देती है। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो अपने बच्चों की वजह से आगे अपनी ज़िंदगी का स्टेप नहीं लेती, उनकी तरबियत करती हैं और उनके लिए अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करती हैं। अब जब वो बच्चे अपनी वालदा के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, तो यूँ समझें कि वो दो लोगों को जो है हर्ट कर रहे हैं, तो वो सरकश हो जाते हैं, बदबخت हो जाते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम की भी वालदा थी, वालदैन दोनों ने थी, यानी बाप नहीं था, तो उन्होंने अपनी वालदा के साथ बहुत नेक सलूक किया। हदीस में भी आता है, सही मुस्लिम की हदीस है, कि उसकी नाक आलूद हो, उसकी नाक हाक आलूद हो, उसकी नाक हाक आलूद हो, तीन दफा अल्लाह के नबी ने सका। पूछा गया अल्लाह के नबी कौन, कहा जिसने अपने वालदैन में से एक को या दोनों को बुढ़ापे में पाया फिर जन्नत में दाखिल ना हुआ। यानी जन्नत में दाखिले से महरूम हो जाने से बढ़कर क्या बदबख्ती हो सकती है। तो जन्नत में दाखिल ना होने से मुराद उनका अदब अहतराम ना करके, उनके साथ बुरा सलूक करके। इसलिए जिन जिन के भी पेरेंट्स हयात होते हैं, कोशिश किया करें कि अपने पेरेंट्स के साथ बेहतरीन सलूक करें। अच्छा, पेरेंट्स की तरफ से कभी कभी ज्यादती भी हो जाती है, आप क्या करें, वक्ती तौर पे इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन उसको ना दिल का रोग ना बनाए। वक्ती परेशानी, वक्ती तकलीफ ठीक है, लेकिन दिल से मुतनफर हो जाना, बिल्कुल खिलाफ हो जाना, अगेंस्ट हो जाना, उनके बारे में बात करना लोगों के साथ बैठकर, तो ये बात आपको दूर करती है और यही बात ठीक नहीं है। इसलिए अपने में वालिदैन के साथ, खास तौर पे वालिदा के साथ बेहतर एक रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि बाप थोड़ा मजबूत होते हैं और वालदा थोड़ी इस मामले में कमज़ोर होती है, ज़्यादा पोजेसिव होती है, इसलिए उनके मामले में थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए। अब यहाँ पे जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा का नाम लिया, और क्यों, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि वो बगैर बाप के पैदा हुए और वालदा का हाथ तोहमत से पाक होना साबित हो जाए। तो बात ना क्लियर करनी चाहिए ताकि किसी किस्म में किसी को कोई शुबा ना रहे। और फिर क्या कहते हैं, वस्सलाम और सलामती है अलैया मुझ पर, योमा जिस दिन मुरीद तू पैदा किया गया मैं, वयोमा अमूतू जिस दिन मैं मरूंगा, वयोमा उबास जिस दिन मैं उठाया जाऊंगा, हया जिंदा कर। अब पीछे भी आयत 15 में सलामती की बात हुई ना, कि सलामती है, तो वहाँ पे सलाम था और यहाँ पे अस्सलाम। आयत नंबर 15 देखिए, उसमें किसके बारे में बात हुई है, सलाम व सलाम अलैहि यौमा वुलिद व यौमा यमूत व यौमा युबअस हय्या। याद है आपको वहाँ पे किसके बारे में बात हुई थी, किन तीन वक्तों में उन पर सलामती है, जब वो पैदा हुए, जब वो मारे जाएंगे, जब वो उठाए जाएंगे, यहया अलैहिस्सलाम के बारे में। अब यहाँ पे वहाँ पे सिर्फ सलाम था और यहाँ पे अस्सलाम हुआ, यहाँ पे खास सलाम थी, यानी उनकी निस्बत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा पर खास सलाम थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात फरमाई है, सही बुखारी की हदीस है, कि कोई बच्चा नहीं मगर इस हाल में कि शैतान उसे पैदा होते वक्त छूता है और उसके छूने की वजह से वो बच्चा चलाता है, ऊंची वासर होता है। लेकिन कहा कि सिवाय मरियम के और उसके बेटे के, यानी मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे के सिवा सबको शैतान ने छुआ और वो बच्चे रोए,
लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम और उनका बेटा नहीं रुका। उसकी रीजन क्या थी? कहा, फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर चाहो तो ये आयत पढ़ लो, वा इन्नी उईज़ुहा बिका वा ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम। यानी मरियम की वालदा ने ये दुआ पढ़ी थी, कौन सी? इन्नी उईज़ुहा बिका वा ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम, मैं इस मरियम को और इसकी औलाद को शैतान और जीन से तेरी पनाह में देती हूँ। ये दुआ याद करें जब आपकी औलाद या खुशबरी हो तो ये दुआ पढ़ें, इन्नी और ईसुहा। अच्छा, ये लड़की के लिए ईसुहा और ईजुहू, अगर बेबी बॉय हो तो ईजुहू, और इन्नी और ईजुहू बिका वज़ुर्री जतहू मिनश्शैतानिर रजीम। बहुत ही खूबसूरत दुआ है, बच्चों के लिए ये दुआ ज़रूर पढ़ें ताकि वो भी शैतान की पनाह में, शैतान से अल्लाह की पनाह में आ जाए और उनकी औलाद भी शैतान से अल्लाह की पनाह में आ जाए। ठीक है, जब भी अपनी औलाद के लिए दुआ करें तो फिर उनकी औलाद के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह आपकी नस्ल एक बेहतरीन तरीके के साथ आगे लेके चले और आपकी औलाद भी नेक निकले और उनकी औलाद भी नेक निकले। मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने ऐसे किया था, अपनी बेटी के लिए भी दुआ की और उसकी औलाद के लिए भी दुआ की। तो देखिए अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत बेटा उनको अता किया और उनकी दुआ कबूल भी हुई। तो मरियम अलैहिस्सलाम पर और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम पर एक खास सलामती थी अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से। उनकी पैदाइश पर जिस दिन वो उठाए जाएंगे, वैसे तो वो अभी जिंदा है ना ईसा अलैहिस्सलाम, जिस दिन वो मरेंगे उस दिन भी, और जिस दिन वो जिंदा उठाए जाएंगे जिंदा करके उस दिन भी उन पर एक खास सलामती होगी। ज़ालिका ये है, अब बात कौन कर रहा है? अल्लाह सुब्हान तआला। ज़ालिका ये है ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम, कौल अल हक की बात हक की, अल्लज़ी वो जो फी इसमें यमतर यमतर वो शक करते हैं। अब अल्लाह कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सच बात सिर्फ वो है जो यहाँ खुद उनकी जुबानी बयान की जा रही है। वो अल्लाह के बंदे और उसके सच्चे रसूल हैं, उनका नस्ब हर शक व शुबा से और हर ऐब से पाक है। उनकी वालदा पर जो तोहमत लगाई गई है और उन्हें फिर रब करार देने वाला जो नसारा है वो सिर्फ शक करते हैं, शक व शुबात में। शहादत उनकी जो है ना महज शक व शुबात में मबनी है, उसमें किसी किस्म का हक का कोई भी शायबा नहीं है। ठीक है, माकान लिल्लाह, नहीं है लायक अल्लाह के वो बनाए नीम वाला दिन कोई औलाद। सुबहानहु पाक है। अब जब कुछ लोग, दो कैटेगरीज के लोग सामने हैं, एक ने तो मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई और जो दूसरे थे ना उन्होंने क्या कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। ठीक है, एक ने गुलूब इख्तियार किया और एक उनके अगेंस्ट हो गए, तो दोनों कामयाब नहीं है। जो लोग हद से बढ़ जाते हैं, गुलूब इख्तियार करते हैं, गुलूब कहते हैं अकीदत में बहुत हद तक बढ़ जाना और ऐसी ऐसी बातें साथ जोड़ देना जो अगले बंदे में मौजूद ही नहीं होती। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत से उम्मती जो है ऐसी ऐसी बातें मुंसलिक करते हैं जो अल्लाह के नबी के साथ ऐसा हुआ ही नहीं है, वो सब कुछ उनके साथ है भी। ऐसे ही अपने किसी उस्ताद और अपने किसी सूफी के लिए कर देना, गुलूब इख्तियार करना, इसकी इजाज़त नहीं है, इसे सख्ती से मना किया गया। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो गुलूब इख्तियार किया ईसाइयों ने कि वो अल्लाह के बेटे हैं, ये अल्लाह के पैगंबर नहीं है बल्कि अल्लाह ही है, माबूद ही है, तो ये गुलूब जो है इसने वो काफिर बना दिया। माकान लिल्लाह, नहीं है लाइक अल्लाह की तो वो बनाई हुई औलाद। सुबहानहु व पाक है, क्योंकि औलाद उसकी होती है जिसको मजबूर, जो मुहताज होता है, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला तो इन सब चीज़ों से पाक है। इदा कज़ा अमरन फइन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून, जब वो कोई काम करना चाहता है, जब वो कोई फैसला करना चाहता है तो बस कहते हैं कुन, हो जाता है, कुन कहते हैं हो जा, फयकून बस वो हो जाता है। ये कुदरत किसको हासिल है? सिर्फ अल्लाह। उसके लिए बेटा बनाने की क्या ज़रूरत जब वो हर काम कौन क्या के कर सकता है? और मोमिन औलाद की तब जरूरत होती है जब बुढ़ापे में किसी ने संभालना, तो उसे बुढ़ापे कमजोरी की वजह से मोहताज होने की या फना होने वाली या वारिस की जरूरत नहीं है।
जब वो आदम को कुन कहकर पैदा कर सकता है, तो वो ईसा अलैहि सलाम को भी कुन कहकर पैदा कर सकता है। وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ, अब दोबारा से ईसा अलैहि सलाम की गुफ्तगु यहाँ पे जिक्र की जा रही है कि अब दोबारा वो ईसा अलैहि सलाम बात करने लगे हैं। पहले अल्लाह सुब्हान तआला ने ये अंदर अपने दो तीन बात कही, وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي, बेशक अल्लाह रब है मेरा, وَرَبُّكُمْ, रब है तुम्हारा, فَاعْبُدُوهُ, बस इबादत करो इसकी, अल्लाह की इबादत करो, हाजा ये है सिरातुल रस्ता, मुस्तकीम सीधा, सीधा रास्ता है, इसी रास्ते पे चलो, क्यों इधर उधर कभी गुलू बख्तियार करते हो और कभी पूरे गेस्ट हो जाते हो मेरे, बिल्कुल सीधा सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता होता है जो इधर उधर की नहीं मारता, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये गोद में सारा इस्लाम के कलाम का ही हिस्सा और खुलासा भी कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह के दादा नेमते मुझे दी गई हैं, मेरा हक है कि मैं उसकी इबादत करूँ क्योंकि वो मेरा रब है और मेरी परवरिश करने वाला है, उसी की इबादत करूँगा और उसी के रास्ते पर चलूँगा। فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ, अब मजीद ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक हक बात तफसील से बयान करने के बाद अब फरमाया अल्लाह सुब्हान तआला ने कि बनी इसराइल से बाहर किसी ने गुरोह नहीं बनाए बल्कि खुद इनके अपने गुरोह बन गए आपस में, فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ, इख्तलाफ किया ग्रोहों ने आपस में, बैनिहिम हिम से पता चलता है कि आपस में ये आपस में इख्तलाफात आ गए, मुख्तलिफ ग्रोह बनते। कौन से ग्रोह थे? यहूदियों ने कहा कि जिना का बच्चा है, जादूगर है। नसारा थे, ग्रोहों में बट गए, किसी ने कहा अल्लाह मसीह ही तो है और किसी ने कहा मसीह अल्लाह का बेटा है, किसी ने कहा मसीह तीन मबूदों में से तीसरा है। तो यहूद ने उनकी शान घटाने की कोशिश की, नसारा ने उनकी हद से ज्यादा बढ़ा दी। तो अहले हक ने यही कहा कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, यहूद उनकी शान घटाने और उन पर ईमान लाने की वजह से काफिर हो गए और जो नसारे हैं गुलू बख्तियार करने की वजह से राह रास्ते भटक गए। तो सीधा रास्ता मुस्तकीम है और जो इख्तलाफात ग्रोहों के अंदर हो रहे हैं ये उनको किस तरफ लेके जा रहे हैं? फ़वैलुन लिल्लज़ीना, तो हलाकत है उनके लिए जिन्होंने काफ़र और कुफ़्र किया, मिम्मा शहादी, हाजिरी से, यौम नाज़ीम, बड़े दिन की। ऐसा ही होता है कि जब कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ सामने आती है, कोई अचीवमेंट सामने आती है, कुछ लोग तो हमारे बड़े ही साथ होते हैं कि जो हमारी खामियों को भी खामी नहीं समझते, हमारी खामियों को भी हमारी खूबी समझते हैं। ठीक है, दो तरह के लोगों का रवैया आता है सामने, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारी खामियों का इकरार ही नहीं करते। तो अल्लाह से ना इन दोनों के दरमियान जो लोग हैं ना उनकी दुआ किया करें, अल्लाह वो लोग जो हक बात कहने वाले हों, जो मेरी चापलूसी करने वाले ना हों और मुझे बदनाम करने वाले भी ना हों, बल्कि मुतदिल लोग अता करना जो मुझे सीधे रास्ते पर लेके चले। ठीक है, क्योंकि जो बंदा इन दोनों रस्तों पर चल पड़ता है उतार चढ़ाव नहीं होता, वो फिर वही की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। असने बेहन, क्या खूब सुनने वाले होंगे, वापसी क्या खूब देखने वाले होंगे, यूं जिस दिन तू ना वो आएंगे हमारे पास, लेकिन जालिम ना, लेकिन जालिम लोग अलयूमा आज फी ज़लालिम मुबीन, गुमराही में खुली। अब अल्लाह यहाँ पे ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं कि क्या ही खूब सुनने वाले होंगे, जो क्या ही खूब देखने वाले लोग होंगे, वो हमारे पास उस दिन आएंगे, जालिम जो हमारी बात ही मानते वो गुमराही में होंगे, अल्लाह की तरफ से उनको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, ये उनकी पनिशमेंट होगी, उनको सजा दी जाएगी। वो अंजिर हों और डराइए उन्हें योमल हसरती, हसरत के दिन से, क्यामत का दिन हसरत का दिन इसलिए है कि बहुत से लोग हसरत करेंगे, काश काश मैं ऐसे कर लेता, काश मैं इस तरह से कर लेता, काश मुझसे ये हो जाता। तो काश का दिन होगा इसलिए उसको यौमुल हसरा कहा जाता है, हसरत के दिन से अल्लाह कह रहे हैं उनको डराइए। इस जब उस यह फैसला किया जाएगा अल अमर इस मामले का
वहुम और वो फी गफलतिन, अब गफलत में है, वहुम ला यूमिनून और नहीं वो ईमान लाते। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा, फिर एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा जन्नत वालों, तो वो सर उठाएंगे और देखेंगे, तो कहेगा तुम इसे पहचानते हो, कहेंगे हाँ ये मौत है, वो सब उसे देख चुके होंगे, फिर आवाज़ दी जाएगी ए आग वालों, वो तो वो सर उठाएंगे और वो देखेंगे कहा तुम इसको पहचानते हो, तो वो कहेंगे जी ये मौत है, वो सब उसे देख चुके होंगे, तो उसे ज़िबा कर दिया जाएगा, फिर वो कहेगा ए जन्नत वालों अब हमेश की है कोई मौत नहीं, और ए आग वालों अब हमेश की है कोई मौत नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ, तो इससे पता चलता है कि قُضِيَ الْأَمْرُ से मुराद क्या है, फैसला कर दिए जाना, तो फैसला कौन सा हो जाएगा, मुराद मौत का ज़िबा करना, तो जब मौत ज़िबा हो जाएगी तो हसरतें और बढ़ जाएंगी, जब अजाब बढ़ता जाएगा ना तो लोगों की काश मर ही जाए, लेकिन मौत को तुम्हारा दिया होगा, मौत खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर हसरतें करेंगे, काश काश हमने अल्लाह की बात मानी होती, काश हम इस्लाम कबूल कर चुके होते, काश हम मुसलमान हो जाते, उस दिन इंसान ऐसा सोचेगा, लेकिन तब कोई फायदा नहीं होगा। इन्ना नहनु नरिसुल अर्ज़ा, बेशक हम ही हैं हम वारिस होंगे जमीन के, वमन अलैहा, और जो उस पर है वह इलैना युरजाऊन, और हमारी ही तरफ लुटाए जाएगी, तो अल्लाह अपनी अजमत का इजहार कर रहे हैं, और उसके लिए अल्लाह ने अपने मुतकलिम का ही सीधा इस्तेमाल किया, हम अपनी शान शौकत के अतबार से, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ज़्यादा है, अल्लाह ज़्यादा नहीं, मतलब ये कि सब फना हो जाएंगे, हमारे सिवा कोई भी बारिश नहीं रहेगा उनका, और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, अगर रहेगा तो नाम अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का, कुरान और हदीस ये बाकी रहेंगे, बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वाइंड अप हो जाता है ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम का वाक्या, और भी बहुत सी इसमें बातें ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस सूरत में दरअसल उनकी ना उनका बचपना, एक बच्चा, इसीलिए सूरत मरियम रिकमेंड की जाती है ना बेबीज की जब बीच से वो एक्सपेक्ट करता हो या चाह दो, तो मोस्टली लोग कहते हैं सूरत मरियम पढ़ें, तो आइंदा से आपने किसी को कहना सूरत मरियम को तफसीर के साथ पढ़ें, सूरत मरियम को तफसीर के साथ सीखें, क्या होगा कि शुरू में ही इब्तदा में अल्लाह सुब्हान तआला औलाद के मामलात में औलाद की तरबियत कैसे करनी है, एक बेहतरीन बेटा कैसे बना जाता है, और एक बेटा बेटे की तरबियत कैसे होती है, ये जो है ना हम सीखते हैं, और माँ कैसे होनी चाहिए, और फिर बाप कैसा होना चाहिए ज़ब्ते इस्लाम की किस्से से, तो ये सब कुछ हमें सीखना ज़रूरी है, तो कोशिश करें कि जब आप करें आपकी शादी हो तो आप जो है उसके बाद इसको पढ़ें, ठीक है, तफसीर से इसको दोबारा से इसको समझें, और आप दूसरों को भी रिकमेंड करें, इसलिए बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें ज़िंदा करती हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, और जिनकी औलाद नहीं है उनको नेक और सालेह औलाद अता करे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभानकल्लाहुम्म व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।